कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी को मिश्र ने मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने बताया कि विकास दुबे अभी मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। ये भी जानकारी दी जा रही है कि विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा। ये भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में पहुंचने की सूचना किन्हीं स्रोतों से खुद पुलिस तक पहुंचाई थी। कानपुर में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हुए जबरदस्त हमले में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मरने वालों में बिलौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र और एसओ शिवराजपुर महेश यादव भी शामिल थे। विकास दुबे पर न सिर्फ अपराधों के संगीन आरोप हैं, बल्कि दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। राजनीतिक दलों में भी उसकी अच्छी खासी पहुंच बताई जाती है। कानपुर के चौबेपुर थाना में विकास दुबे के खिलाफ कुल 60 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे भी शामिल हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बीबीसी को बताया था कि जिस मामले में पुलिस विकास दुबे के यहाँ दबिश डालने गई थी, वो भी हत्या से जुड़ा मामला था और विकास दुबे उसमें नामजद है। चौबेपुर थाने में दर्ज मुकदमों के आधार पर कहा जा सकता है कि पिछले करीब 3 दशक से अपराध की दुनिया से विकास दुबे का नाम जुड़ा हुआ है। कई बार उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अब तक किसी मामले में सजा नहीं मिल सकी थी। विकास दुबे मूल रूप से कानपुर में बिठूर के शिवली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है। गांव में उसने अपना घर किले जैसा बना रखा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना उसकी मर्जी के घर के भीतर कोई नहीं जा सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2002 में जब राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस वक्त विकास दुबे की टूटी बोला करती थी। बिकरू गांव के लोग बताते हैं कि न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी विकास का दबदबा है।